ABPS News। अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा प्रदेश स्तरीय ब्लॉकों में होने वाली बैठक में दिन शनिवार को भदोही जनपद के अभोली ब्लॉक सभागार में प्रधानों की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव भूषण उपाध्याय उर्फ गोपाल ने समस्त प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानों का जांच के नाम पर बहुत उत्पीड़न हो रहा है तथा ग्राम सभा में आए विकास के रुपयों में से ही हम प्रधानों को पंचायत अधिकारी के कृपा पात्र पर विकास के पैसे से 3500 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाता है। प्रधानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्याय ने कहा कि भदोही जनपद में 56 ग्राम प्रधानों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है, जिसमें 2 ग्राम प्रधानों के खिलाफ त्रिस्तरीय कमेटी बना दी गई है। प्रकाशपुर ग्राम प्रधान तथा मरसड़ा ग्राम प्रधान के खिलाफ जो कार्यवाही की गई है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा है कि जब से अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक बृजेश सिंह सदस्य विधान परिषद भदोही वाराणसी चंदौली रिहा हुए हैं, तब से प्रधानों का शोषण एवं उत्पीड़न काफी हद तक कम हुआ है। गोपाल उपाध्याय ने बताया कि अब तक विधान परिषद में कोई भी नेता हम प्रधानों की समस्या सदन में नहीं उठाता था। पहली बार बृजेश सिंह ने हम प्रधानों की समस्या सदन में उठाकर प्रधानों के लिए वेतन और पेंशन की मांग को जोरदार तरीके से उठाया है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी प्रधान कमर कसकर तैयार रहे, किसी भी समय आंदोलन का बिंगुल फूका जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार हम प्रधानों की समस्या से कोई वास्तविकता नहीं रखना चाहती है। जबकि 24 घंटे ग्राम सभा की रखवाली करने वाला ग्राम प्रधान ग्राम सभा में चोर की दृष्टि से देखा जाता है, उसके बदले में ग्राम प्रधान को अपेक्षित होना पड़ता है। प्रधानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि जब तक हम प्रधानों को कार्य करने की पूर्ण आजादी नहीं मिलेगी तथा हमारा उत्पीड़न बंद नहीं किया जाएगा तथा हमें 30,000 रुपए प्रति माह वेतन तथा 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन नहीं दी जाएगी, तब तक हम सभी प्रधान कलमबंद हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। इसी के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्याय ने जनपद के सभी प्रधानों से अपील करते हुए कहा कि अपनी समस्या को लेकर 8 अप्रैल को जिला भदोही के ओराई ब्लॉक के ब्लॉक सभागार में होने वाली प्रधान बैठक में समस्त जिले के प्रधान 11 बजे उपस्थित रहें, जिसमें जिले के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिसमें प्रधानों की समस्या संबंधी ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपकर मांग की जाएगी कि प्रधानों की समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए। इस दौरान बैठक में जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र, जिला उपाध्यक्ष श्री राम दुबे, अजीत यादव पप्पी, जिला मंत्री दीपक तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष जगदम्बा शुक्ला, सुरेश चंद्र गुप्ता, शीतला प्रसाद, शिवशंकर यादव, अमरनाथ बिंद, शरद बिंद, राकेश चंद्र, कमलेश कुमार, संजय श्रीवास्तव उपाध्यक्ष सहित दर्जनों प्रधान उपस्थित रहे। जब प्रधानों के खोज खबर लेना बंद कर दिए तो चंद महीने पहले उनकी भी वृत्ति पावर डीट कर दिए थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई है, जो व्यक्ति दर्शकों को लेके चलता है वही देता है। क्योंकि हम लोग कोई भी प्रधान ना तो किसी प्रधान को पैसा देकर के ब्लॉक अध्यक्ष खरीदा नहीं है, ना तो कोई जिला पंचायत अध्यक्ष की तरह जिला पंचायत सदस्यों को पैसा दे खरीदा है। यह एक ऐसा पद है जो लड़ने वाला व्यक्ति वह नेता है। मैं बताना चाहता हूँ, सर्वप्रथम जब हम 2015 के चुनाव के बाद जब गठन हुआ और 2016 लागू हो गया, जनवरी फरवरी का महीना था, तो हम पहले तो जिला अध्यक्ष पे ही उंगली उठने लगी, कैसे बन गए। कुछ लोग हाईकोर्ट गए, PIL दाखिल कर दिए, शासन में गए, DM कह दिए, तो ये सारे बायला जो इकट्ठा किए गए और इकट्ठा में होकर के आया कि यह प्रधान संघ का चुनाव कोई जिलाधिकारी या ब्लॉक BDO नहीं कराता है, यह गैर राजनीतिक दल है, या किसी भी पार्टी का व्यक्ति इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, न किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट होता है। यह सारे प्रधान एक स्वर में अगर किसी को बना दे तो ठीक है, नहीं तो संगठन इसका चुनाव करता है जिला अध्यक्ष का, और जिला अध्यक्ष जिले की कमेटी बनाता है और ब्लॉक के अध्यक्ष चुनता है। उसके कुछ दिन बाद ही 16 में प्रधान संघ का गठन किया गया। अखिल भारतीय प्रधान संगठन की तरफ से मुझे उस समय जिला अध्यक्ष बनाया गया था। मैं आप लोग को स्पष्ट बताना चाहता हूं, आप लोग दिमाग में पहले तो गलतफहमी जो है जो पूरे जनपद में थी निकल रही है, शायद अबोली में भी है, गलतफहमी है कि प्रधान संघ का अध्यक्ष कौन हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह गैर राजनीतिक संगठन है, यह गैर निर्वाचित संगठन है। प्रधान संघ का चुनाव जिलाधिकारी या BDO नहीं कराता है।